हे गाइस, वेलकम टू माय यू चैनल। तो आज भी हम जनरल सप्लाइज के लिए एस्थेटिक स्टिकर्स बनाना सीखेंगे। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले चाहिए एक पेपर, फिर उसके बाद हमें चाहिए अल्कोहल मार्कर। बाद हमें अल्कोहल मार्कर ही ले लेना है। फिर उसके बाद हमें ऐसे कोई से भी शेप बना देने हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप बना रही हूँ। फिर उसके बाद इसके अंदर कलर फिल करती जाऊंगी। हमें अच्छे से पूरा कलर फिल करते जाना है। कुछ इस टाइप से हम कलर फिल करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे बनाने हैं। तो हमें ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस बना लेने हैं अलग अलग कलर के। तो हमें एक कोई सा भी ब्लैक पेन लेना है एंड देन उसके बाद हमें कोई से भी पैटर्न बनाते जाने हैं। तो यहाँ पर मैं एक लीप की पैटर्न बना रही हूँ। तो इसे आप कोई सा भी बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लीप की पैटर्न बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लीप बना दी है। फिर उसके बाद मैं इस साइड एक और लीप बनाऊंगी, क्योंकि हम एस्थेटिक स्टिकर्स बना रहे हैं जिसमें ये ऐसे ही टूडल्स वगैरह होते हैं। तो इसे हमें थोड़ा डार्क डार्क भी करना है लिप्स बनाने के बाद। तो जब तक मैं यहाँ पर लिप्स बना रही हूँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि मैं आगे जनरल सप्लाईज में क्या डालूँ। तो हमारी लिप्स भी बनकर रेडी है। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे पैटर्न इनमें बना देने हैं। तो हमें कुछ इस टाइप के पैटर्न बना लेने हैं। क्यूट से एस्थेटिक स्टिकर बनकर रेडी है। हम जनरल सप्लाईज के लिए स्टिकर्स बनाने वाले हैं एस्थेटिक। सो लेट्स गो। तो चाहिए हमें एक पेपर, तो फिर उसके बाद हमें इस सीजर से इसे कट करना है कुछ इस तरीके से। हमें इसे इस तरीके से कट करना है। तो हमें कुछ इस टाइप से इसे कट करते जाना है। तो ये हमारा कट होकर रेडी है। फिर उसके बाद अल्कोहल मार्कर की बोर्ड साइड से इसे हमें साइडों में कलर करते जाना है। आप देख ही सकते हो मैं इसे कैसे कलर कर रही हूँ। तो ऐसे हमें इसे कलर करते जाना है जल्दी जल्दी कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद एक छोटा सा पेपर लेना है कोई से भी पुरानी बुक से। फिर उसके बाद इसे हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद हमें ब्लैक स्केच की हेल्प से यहाँ पर 15 लिखना है, थोड़ा डार्क लिखना है। हमें ऑरेंज कलर लेने के बाद यहाँ पर मशरूम बनाना है कुछ इस टाइप से। हमें यहाँ पर मशरूम बना देना है। एक हमें थोड़ा इस साइड बनाना है ताकि अच्छा भी लगे कुछ इस टाइप से। इसके बाद हमें ब्राउन स्केच लेना है, फिर इसकी टहनी बनाते जाना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें ग्रीन कलर की हेल्प से इसकी पत्तियां बनाना है इसके नीचे। उसके बाद वाइट फ्लूड की हेल्प से हमें इनमें डॉट पाते जाना है ताकि सचमुच को मशरूम लगे कुछ इस टाइप से। तो हमारा क्यूट सा एस्थेटिक स्टिकर बनकर रेडी है, होममेड। तो मैंने कुछ इस टाइप के इतने सारे स्टिकर बनाए हैं। तो ऐसे स्टिकर आप बहुत से कलर के बना सकते हो। आपको अगर मेरा ये आइडिया अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और भी जनरल सप्लाईज की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो तब तक के लिए बाय। विंडो स्टिकर, सो लेट्स गो। तो हमें चाहिए एक पेपर, उसके बाद हमें ये पैटर्न बना देंगे पर एक फ्लावर बनाएंगे जैसे हम कोई भी चीज़ के बॉर्डर वगैरह में बनाते हैं। उसी टाइप से हम इस विंडो के साइडों में ये फ्लावर बना देंगे। ऐसे करके हमें बहुत सारे फ्लावर बनाने हैं, छोटे बड़े। बड़ा बनाया फिर उसके बाद छोटा, ऐसे ही हमें सभी में ऐसे भर देना है। फिर ऐसे फ्लावर हमें यहाँ पर बना देना है। तो हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। उसके बाद ब्लैक स्केच से आउटलाइन करने के बाद ब्लू कलर से हम विंडो को कलर कर लेंगे। फिर स्काई ब्लू कलर से हम इस फ्लावर को कलर करते जाएंगे कुछ इस तरीके से। हमें इसे कलर करते जाना है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी कर देना है। फिर इन टू कलर से
फ्लावर्स को कलर कर देंगे। ग्रीन कलर के हैं, उसे हमें सारी पत्तियां कलर करना है। कुछ इस तरीके से हमें सभी कर देना है। पत्तों को कलर करने के बाद हमें ग्रे कलर की हेल्प से शेडोज बना देना है। आप कहीं पर भी बना सकते हो। तब तक मैं यहाँ पर शेडो बना रही हूँ, तो आप कमेंट करो कि आगे मैं और कौन कौन सी जर्नल सप्लाइज की वीडियो डालूं। शेडोज बनाने के बाद हमें कट कर देना है। तो हमारा क्यूट सा विंडो स्टिकर बनकर रेडी है। तीन तरीके के विंडो बनाए हैं, जिसमें से एक है पर्दा वाला और एक सिंपल विंडो और एक फ्लावर वाला। आपको इन तीनों में कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हम जर्नल सप्लाइज के लिए टैग्स बनाएंगे, सो लेट्स गो। हमें कोई भी विंटेज पेपर चाहिए। फिर उसके बाद हमें सर्कल बनाकर कट कर लेना है। हमें कुछ इस तरीके का सर्कल कट करना है। सर्कल कट करने के बाद हमें ब्लू स्केच से इसे थोड़ा सर्कल ही ड्रॉ कर लेना है इसके अंदर अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हमें ऐसे डॉट पारते जाना है। पूरे सर्कल को हमें ऐसे ही कवर करना है, कुछ इस तरीके से कवर कर देना है। फिर उसके अंदर हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 नंबर लिख रही हूँ, क्योंकि टैग्स में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, नंबर वाले ही होते हैं क्योंकि वो। तो यहाँ पर मैं 1 लिख रही हूँ। इसे हमें थोड़ा डार्क करना है ताकि 1 भी लगे। तो ऐसे हमारा टैग बनकर रेडी है। ऐसे मैंने बहुत से टैग बनाए हैं, आपको ये कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। ये आपके जर्नल में भी यूज़ होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो तब तक के लिए बाय।